नेटवर्क आप तक पहुंचाता है सही खबर। और न्यूज 18 ने इस बात को ब्रेक किया कि भजनलाल शर्मा के नाम पर सहमति बनी है विधायक दल की बैठक के अंदर। दो उप मुख्यमंत्री, उसमें से एक महिला नेता को कमान सौंपी गई है, यानी कि वो पद सौंपा गया है उप मुख्यमंत्री का। राजकुमारी दिया को बनाया गया डेप्यूटी सीएम और डॉक्टर प्रेम बैरवा को यहाँ उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ यहाँ पर अलग ही तस्वीरें सामने आने लग गई। सब बेहद खुश नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें देखिए जरा कि किस तरीके से लोग बेहद उत्साहित हैं। भजनलाल शर्मा का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भरत की जय हो। तो ये तस्वीर शर्मा जी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री, उनको बधाई दे रहे हैं। राजस्थान भगवामय हो गया है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं इस वक्त। सौरभ जी बिल्कुल देखिए, भजनलाल को चुनने के बहुत सारे कारण हैं क्योंकि भरतपुर जो है वो बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर क्षेत्र रहा है। इस लिहाज से बीजेपी ने कई सारे तीर जो है वो इस चयन के साथ साधे हैं। चूंकि एक ब्राह्मण जनरल वोटर्स को तो बीजेपी ने साधा ही है, लेकिन भरतपुर ऐसा इलाका है जहां से पिछली बार जो है वो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था और इस बार बीजेपी चाहती है कि उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मजबूती जो है वो मिले। बीजेपी का कार्डर जो है वो वहां पर नहीं है, इस लिहाज से जो है वो बीजेपी ने बहुत बड़ा कार्ड जो है वो खेला है और इसके जरिए बीजेपी ने उन तमाम लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी संगठन के लिए अपना 100% देगा उसको जो है वो तारी सुनेगी। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो बीजेपी ने बता दी है। जिस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही थी कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो संगठनिष्ठ हो, कह सकते हैं कि वो संगठन को लेकर लगातार सक्रिय रहो, ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने चुना है। बिल्कुल, एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जिनको सब चाहते भी थे शायद, और यही वजह है कि जैसे ही नाम का ऐलान हुआ सब बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। बाबूलाल, ऐलान हो गया, अब ऐलान भी हो गया और चौंकाया भी बहुत है, यानी कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाया था कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री होंगे। राजस्थान के पहला चुनाव लड़ा, लेकिन संगठन में पिछले 10-12 साल से बहुत ज्यादा सक्रिय थे। जो भी अध्यक्ष बन रहा था उसके साथ में भजनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री बन रहे थे, इसका मतलब ये था कि पार्टी उनकी प्रोफाइल को लगातार बड़ा बना रही थी। और जब उनको सांगानेर जैसी सेफ सीट से टिकट दिया गया तब लग गया था कि इस शख्स को पार्टी बहुत बड़ा बनाना चाहती है। और इसी कड़ी में जब नाम बड़े बड़े नेताओं के आ रहे थे तो भजनलाल शर्मा को भी लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। और एक तरह से पूरब से सूरज उगा है आज राजस्थान में, क्योंकि भरतपुर की धरती से जन्म उनका वहां पर हुआ लेकिन कर्मभूमि राजस्थान है, ये जयपुर है और मानसरोवर में उनको